तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में सुरेंद्र जी एंड प्रवीण जी के साथ हम बातचीत करने जा रहे हैं डेटा मेनू बार के गेट डेटा फंक्शन में। जी हाँ, गेट डेटा फंक्शंस। एक फाइल को दूसरे फाइल से या दूसरे फाइल को किसी और अनदर फाइल से, कई सारे फाइल को एक फाइल से कैसे हम लिंक करेंगे वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन आपको दे रहा हूं। जैसे कि डेटा है हमारा, सिंपल सा इसी डेटा को ले लेते हैं। ये हमारे पास डेटा है। अब डेटा में प्रॉब्लम क्या, डेटा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मुझे इस डेटा को लिंक करना है दूसरे डेटा शीट्स पे, समझे, दूसरे एक फाइल पे। तो क्या करेंगे इसके लिए? हम जनरली इक्वल प्रेस करके कर सकते हैं क्या सर? प्रॉब्लम क्या है कि इसके लिए फिर ड्रैग करना पड़ता है, हमें इसको ड्रैग नीचे तक ड्रैग करना पड़ेगा, और वहां अगर डेटा बढ़ता है तो फिर मुझे नीचे ड्रैग करके लाना पड़ेगा, घटता है तो नीचे जीरो आ जाएगा। तो मुझे ऐसा चाहिए कि अगर डेटा बढ़े तो घटे तो ऑटोमेटिक घट जाए, और पूरा का पूरा डेटा मैं चाहता हूं। तो हम जाएंगे डेटा मेनू बार में, गेट डेटा फ्रॉम फाइल, इसमें आपको दिख रहा होगा फ्रॉम, यस यस हम फ्रॉम वर्कबुक को लेते हैं और वहां से अपना डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं। यहां डाउनलोड में रख देते हैं, इंपोर्ट किया मैंने, थोड़ा सा टाइम लेता है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अब इस डेटा में जितने भी शीट्स हैं सारे शीट्स आपके सामने आ, आप सेलेक्ट कर लीजिए किसका डेटा चाहिए। मुझे इसका डेटा चाहिए। आपके सामने पूरा यहाँ पे एक प्रीव्यू दिख जाता है, देन आप उसको लोड पे क्लिक कर दीजिए। लोड क्लिक हो गया सर। यस सर तो डेटा, उस डेटा से हमारा लिंक हो चुका है टेबल फॉर्मेट में। अब वो वहां पे डेटा अगर चेंज होता है तो यहां भी मेरा डेटा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सर? यस अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन और आता है कि मुझे डेटा में यस सारा डेटा नहीं चाहिए, मुझे इस डेटा में सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन का डेटा चाहिए या कुछ कॉलम्स नहीं चाहिए, राइट? तो आप जैसे यहां आपके पास अगर लेटेस्ट वर्जन है, मतलब कि ऑफिस 365 16 और 18 है, तो यहां पे क्वेरी एंड कनेक्शंस का विंडो ऑटोमेटिक खुल के आ जाएगा। तो यहां पे आपके सामने दिखा होगा डेटा, डेटा के एडिट वाले पार्ट पे क्लिक कर दीजिए, तो ये आपको पावर क्यूरी में लेके चला जाता है। जी हाँ, पावर क्यूरी में। अब पावर क्यूरी के अंदर आप कुछ भी डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला तो ये आपका जो यहाँ पे, हाँ, एक कॉलम जो एक्सपायर कॉलम आ गया नहीं चाहिए, मैंने इसको यहां से रिमूव रिमूव कर दिया। मुझे यहाँ पे एक सिर्फ पूजा के डेटा चाहिए तो वी हैव अप्लाई द फिल्टर, मुझे ये यहां पूजा का डेटा चाहिए, एंड यहां पे ओके। उसके बाद लोड एंड क्लोज कर दीजिए। यहां से पूजा का डेटा लोड हुआ। सर अब क्वेश्चन आता है कि बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास ऑफिस 365 नहीं होगा, लेटेस्ट वर्जन नहीं होगा, 13, 10 और 7 पे काम कर रहे हैं, वो लोग इस फीचर को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है, आपको बताएंगे, लेकिन वो आगे क्लास में, अभी नहीं। सुनील जी, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। क्या लेट हो गया? मैं कॉल भी किया था आपको। सर लेट तो नहीं, आज क्लास जल्दी स्टार्ट कर दी। मैंने सोचा कि 8:15-20 पे होगी।
फिक्स टाइमिंग तो है नहीं ना, क्योंकि भी कभी नहीं तो 8:15, 8:10, 8:10, 12 के बाद ही हुई है क्लास स्टार्ट सर। अभी जस्ट एक ही टॉपिक तो पढ़ाया है। 8:12 के बाद हुई है। अब यहाँ पे अगला ऑप्शन आता है कि आप एक्सेल टू एक्सेल को लिंक करना सीख गए किसी एक्सेल फाइल को किसी एक्सेल फाइल के साथ। अब डेटा मेनू में अगला ऑप्शन आता है इसी में फ्रॉम फाइल में कि आपके पास अगर डेटा नोटपैड की हो तो। अभी जैसे कि इसमें पावर क्वेरी के बारे में हम और बताएंगे, जिसमें आपको एग्जांपल दिया है पावर क्वेरी कैसे यूज होता है। अब हम बात करते हैं, अभी जैसे डेटा कनेक्टिविटी सीख लेते हैं पहले। फ्रॉम टेक्स्ट, अगर नोटपैड की फाइल हो या सीएसवी फाइल हो तो कैसे आप कनेक्ट करेंगे। जैसे कि इसी में हम आते हैं तो हमारे पास ये नोटपैड की फाइल है, तो नोटपैड की फाइल को लिया और हमने इसको इंपोर्ट कर दिया। अब देखिए नोटपैड की फाइल दो तरह से होता है, टैब लिमिटेड एंड कॉमा लिमिटेड। समझते हैं क्या होता है? नहीं सर। कॉमा नहीं, नहीं। जब नोटपैड की फाइल बनती है तो ये देखिए एक कॉमा लिमिटेड है, मतलब कि एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच में कॉमा का सेपरेशन है ना सर, ये होता है कॉमा लिमिटेड। तो जब ये फाइल आएगी तो डिलिमिटेड में यहाँ पे कॉमा के टाइप की जगह पे कॉमा हो जाएगा। टेक्स्ट टू कॉलम करते हैं ना आप सर? यस यस यस, सेम टेक्स्ट टू कॉलम सिस्टम यहाँ पर है। टैब लिमिटेड में क्या होगा कि कॉमा के जगह पे एक टैब होगा इस तरह से, समझे? टैब लिमिटेड होता है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक टैब आ जाएगा। तभी जो मैंने लिया टैब लिमिटेड फाइल है, इसको लिया एंड लोड कर दिया तो हमारा फाइल डेटा पर नोटपैड से मेरा डेटा आ गया। आ गया सर? तो किसी नोटपैड के डेटा को एक्सेल में लाने के लिए जनरली लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, बट कॉपी पेस्ट करते समय प्रॉब्लम होती है कि एक सेल में ही कॉपी पेस्ट हो जाता है। उस केस में हम डेटा लोड अगर करते हैं तो बेहतर रहता है। ऐसे सीएसवी फॉर्मेट भी है, तो सीएसवी फॉर्मेट खास है तो हम ओपन भी कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली वो एक्सेल में ही ओपन होता है सीएसवी फॉर्मेट। उसके बाद एक्सएमएल फाइल है तो एक्सएमएल फाइल को यहाँ पे आसानी से लोड कर सकते हैं, बट एक्सएमएल फाइल आपका एक्सएमएल फॉर्मेट में होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर दिक्कत होगा। जैसे मास्टर आपका एक्सएमएल है लिया हमने, अगर एक्सएमएल सही से बना हुआ है तो लोड हो जाएगा, सही से बना हुआ नहीं है तो लोड नहीं होगा। ये सही से बना हुआ नहीं है सर, इसलिए इसका ऑप्शन नहीं आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे आता है जेसन फाइल, वही होता है पीडीएफ। अब आप पीडीएफ फाइल को भी लोड कर सकते हैं, जी हाँ पीडीएफ फाइल। अब आपके पास डेटा अगर पीडीएफ में है तो इसमें आसानी से आप फॉर्म पीडीएफ, अब अपना पीडीएफ यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए जिस पीडीएफ का डेटा आपको लाना है। डेटा पी है हमारा, इसको लेके आना है इंपोर्ट। लेकिन पीडीएफ लोड करने से पहले एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपका पीडीएफ स्कैन नहीं होना चाहिए, जो स्कैन होता है ना सर, स्कैन कॉपी, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इमेज में हुआ तो फिर कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। और अगर एक पेज का डेटा है पीडीएफ में तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सारे पेजेज हैं तो उसमें उसके टेबल को आइडेंटिफाई करता है। अगर टेबल का हेडिंग अगर एक जैसा हुआ तो यहाँ पे कंबाइन कर देगा, अगर टेबल का हेडिंग एक जैसा नहीं हुआ तो फिर वो डिफरेंट डिफरेंट पेजेस आपको देगा, समझे? ओके, अभी आपको यहाँ पे दिख ही जाएगा प्रॉब्लम क्या है। आ रहा है अभी थोड़ा टाइम लेता है सर, कन्वर्टिंग तो इतना थोड़ा सा टाइम लेता है। आ गया सर। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये पीडीएफ दिख रहा है आपको, तो इसमें हर पेज में हेडिंग था, हेडिंग मतलब ऊपर का हेडिंग था ना, पेज में हेडिंग था, एवरी पेज में देखिए हेडिंग था, तो इसने क्या किया ये टेबल को कंबाइन करके देखिए एक ही पेज में सारा दे दिया। 1250 पेज टेबल पेज 1254 में 54 पेज को
इसने एक में एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे कंबाइन कर दिया। समझे? अब इसको सिलेक्ट करके आप लोड कर दीजिए, यहां पे लोड हो जाएगा। और फाइल बड़ी है, थोड़ा सा टाइम लेगा। आ गया सर, डेटा पूरा कंबाइन हो गया अलग अलग पीडीएफ पेजेस को। अब इसमें नेक्स्ट फोल्डर। अब मान लीजिए एक फाइल का फोल्डर है आपके पास। अब फोल्डर के दो पार्ट हैं, मैं पहला पार्ट आज कराऊंगा, अगला पार्ट हम आपको कल की क्लास में कराएंगे। नहीं, अब फ्रॉम फोल्डर यहां पे क्लिक कीजिए, नहीं आज ही करा देता हूँ। फ्रॉम फोल्डर में क्या है कि फोल्डर का जो पाथ है, एक फोल्डर है उसमें जितने भी फाइल है उस सारे फाइल का यहाँ आप लिस्ट ला सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डाउनलोड को सिलेक्ट किया एंड देन ओके किया, देन ओके। तो यहां पे देखिए जितने भी उस फाइल के लिस्ट से सारे के सारे आ गया। आ गया सर? हेलो। बट मैं yes, yes. अंदर की जो डेटा है वो एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे कॉपी पेस्ट हो जाए। तो सबसे पहले मुझे ये देखना होगा डेटा सेम पोजीशन में है या नहीं है। मैं एक फोल्डर में पहले डेटा देख लेता हूँ, नहीं तो फिर बनाना पड़ेगा। एक फोल्डर में सारे डेटा रखने होंगे, ठीक है? जैसे देखिए ना, मेरे पास अलग अलग सिटी के ये डेटा है पीडीएफ फॉर्मेट में, मान लीजिए, ठीक है? मैं इसी फॉर्मेट को भी यहां पे कॉपी करता हूं एक्सेल शीट में। यहां पे फ्रॉम फोल्डर और इसको पेस्ट किया हमने। आइए सर, अब इसमें देखिए एक आता है यहां पे कंबाइन, एक आता है कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म, कंबाइन एंड लोड। हम बोलते हैं कंबाइन एंड लोड, तो इसके जितने भी फाइल है वो सबको चेक करेगा। देखिए पीडीएफ, सारे पीडीएफ फाइल चेक किया। टेबल देखा, बताया था टेबल फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है? फर्स्ट फाइल दिल्ली की फाइल को सिलेक्ट करता हूं, तो दिल्ली में भी पेज वन है, तो अब मैं दिल्ली के अकॉर्डिंग यहां पे ओके कर देता।
सॉरी इस एक्सेल फाइल में ना, यहाँ दिख गया सर, दिल्ली जनवरी। तो पीडीएफ फाइल हो या एक्सेल फाइल हो, सारे फाइल को एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे वो कॉपी पेस्ट कर देगा। समझ गया सर? सुरेंद्र जी, सुनील जी, तो हमने वर्कबुक क्या बोल रहे सर, हमें किसी फाइल से फाइल को लिंक डेटा लाना हो, एक्सेल फाइल से लाना हो, किसी टेक्स से या सीएसबी से लाना हो, एक्सएमएल से लाना हो, जेसन से लाना हो, पीडीएफ से लाना हो, या फिर एक फोल्डर में जितने भी फाइल चाहे फाइल पीडीएफ का हो या एक्सेल का फाइल हो, हम उसको कैसे लाएंगे, ये तरीका हमने आपको अभी समझाया, राइट? अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अगला जो आता है वो आता है फ्रॉम डेटाबेस। तो आपके पास SQL सर्वर का डेटा है, तो डेटा आप SQL सर्वर से डेटा कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, बट आपके पास SQL सर्वर होना चाहिए। क्लिक कीजिए, अब मेरे सिस्टम में SQL सर्वर है, एक बार SQL सर्वर में ओपन करता हूं पहले। तो आपको इसमें SQL सर्वर से लोड लाने के लिए आपको चाहिए होगा सर्वर एंड डेटाबेस, कि सर्वर के किस डेटा, क्योंकि एक सर्वर में कई सारे डेटाबेसेस होते हैं, तो कौन पर्टिकुलर सर्वर का डेटा लेके आना है आपको यहां डिसाइड करना पड़ेगा। ओके, तो सर्वर विद पाथ चाहिए होगा, मैं डेटाबेस ओपन, ये नहीं फाइंड आउट करेगा क्योंकि इसका कंप्यूटर पाथ भी चाहिए होता है। क्या हो गया? जो पाथ होता है ना, पूरा आपका पीसी के पाथ होता है, सर्वर पाथ इसको बोलते हैं, पूरा पाथ लेके आपको आना हो। नहीं हुआ सर, एडिट पे क्लिक करता हूं, यहां पे पूरा पाथ दीजिए, इसका कौन सा डेटाबेस चाहिए। अब डेटाबेस याद है ठीक है, अदरवाइज आप ओके कर दीजिए। ये देखिए, ये आपका इसके अंदर में आईपीटी नाम का एक डेटाबेस है, इस आईपीटी नाम के अंदर डेटा नाम का टेबल है, ठीक है। अब इसको यहां से आप ट्रांसफॉर्म कर दीजिए या फिर लोड कर दीजिए, डेटा एसक्यूएल सर्वर से आ जाएगा। बट मैं बात करने जा रहा हूं कि एसक्यूएल क्यूरी की, हम डायरेक्ट एसक्यूएल की क्यूरी कैसे रन करें। अगर आपको एसक्यूएल क्यूरी पता है तो क्या होता है कि हम यहीं पे क्यूरी लिखते हैं और यहां से हम डेटा को ढूंढ निकालते हैं, मैं डेटा लेते हैं। एसक्यूएल के बारे में तो पता नहीं है वैसे भी क्या है, एक बार समझा देता हूँ, जब कभी जरूरत पड़े तो आप उसको यूज कर सके ना सर, आइडिया रहेगा ना सर कि हाँ ऐसे होता है। इंटरनेट से मान ली कभी जरूरत पड़ गया, इंटरनेट से आपने कॉपी पेस्ट किया, तो वो पता तो होना चाहिए कि हाँ क्या है। Yes, yes. जैसे ये देखिए क्यूरी, देखिए सर, यहाँ पे सिलेक्ट टॉप है, यहाँ पे हम सिलेक्ट, यहाँ पे लिख देते स्टार, सिलेक्ट स्टार मतलब कि ऑल। अब मैं चाहता हूँ कि इस क्यूरी को मैं डायरेक्ट टाइप करूँ एसक्यूएल सर्वर, यहाँ जब एसक्यूएल सर्वर से डेटा लोड लू तो मैं इसकी क्यूरी को टाइप करूं, ना कि डेटाबेस को, ना कि पूरा, माने कि अपने हिसाब से लो। तो क्यूरी में क्या होगा कि अपने हिसाब से डेटा की कंडीशन कंडीशन आप सेट कर सकते हैं। एसक्यूएल क्यूरी में आते हैं और यहां पे अपना क्यूरी स्टेटमेंट दे सकते हैं। यहां पे सर्वर नेम आपको देना पड़ेगा, बगैर सर्वर नेम के नहीं हो पाएगा। Yeah.
इसमें क्या है कि इसमें आपको पासवर्ड वगैरह नहीं मांगता, पर आपकी कंपनी में आपको पासवर्ड मांगेगा। क्यों? क्योंकि प्रोटेक्टेड होता है ना सर, ये मेरा सिस्टम लॉगिन के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक चल जाता है। वहां पे आपको यूजर नेम और पासवर्ड भी मांगेगा। यहाँ पे डेटाबेस देना होता है कि किस डेटाबेस से, ऑप्शनल है। जो एडवांस यूज करते हैं तो यहाँ पे आपको दे सकते हैं डेटाबेस। डायरेक्ट आपका क्यूरी डन हो गया, ठीक है। हेलो, इस क्यूरी में तो जस्ट हमने सिंपल दिया सिलेक्ट ऑल का कमांड दे दिया था, बट अगर इस क्यूरी में जैसे कंडीशनल वगैरह होता है कि मैं मुझे किसी पर्टिकुलर नेम का ही चाहिए, यानी मुझे सिर्फ डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर चाहिए, मुझे कैंडिडेट नेम डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल ही चाहिए, तो आप यहाँ पे वो क्यूरी भी लिख सकते थे। यहाँ पे जैसे मुझे कैंडिडेट नेम चाहिए और कैंडिडेट नेम चाहिए होगी बाकी चीजें, तो ये चीज हम यहाँ पे आसानी से स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। स्टार के जगह पे लिखना पड़ता है, बट इसके लिए आपको बताया था ना कि पता होना चाहिए। ऐसे मैं लिख के दे देता हूँ, एक बता देता हूँ, इसमें स्पेस है, एक मिनट आया था ना, हाँ इसमें स्पेस है, तो आपको इसको रखना पड़ेगा स्क्वायर ब्रैकेट में। तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट रखने की जरूरत नहीं है। कैंडिडेट नेम यहाँ आप दिख गया है तो सिलेक्ट भी कर सकते हैं आप। कॉमा, मुझे चाहिए डीओवी, मुझे चाहिए मोबाइल। ठीक है, अब इसको हम लेते हैं, एक बार स्क्रूट करके देख लीजिए, यहाँ डेटा दिख रहा है। अब इसी को कॉपी करते हैं और इसी के इसके अंदर, जैसे कि हमने अभी क्यूरी वन किया है ना, इसी में एडिट पे क्लिक कीजिए। तो एडिट पे करते हैं, पावर क्यूरी पे चला जाता है। तो पावर क्यूरी पे जैसे यहाँ पे क्यूरी सिलेक्ट लिखा हुआ है ना सर, इसी की जगह पे अपना एक क्यूरी डाल दीजिए, बदल जाएगा। नहीं तो सिलेक्ट करते समय अगर नया करना चाहते हैं, नया क्यूरी लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे इसके बाद यहाँ एडवांस जो यहाँ पे डाल दीजिए, यहाँ पे आईपीटी या सर्वर नेम आपका, लॉगिन करते समय सर्वर नेम आ जाता है, नहीं तो फाइंड भी कर सकते हैं। डायरेक्ट एसक्यूएल से भी डेटा ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात आती है एक्सेस। अगर आपका डेटाबेस एक्सेस में पड़ा है तो आप डेटा मेनू में आइए और अपना डेटा एक्सेस से भी ले सकते हैं, और यहां पे अपना आइए इसमें अपना एक्सेस डेटाबेस को सिलेक्ट कीजिए, इंपोर्ट। अगर उसकी क्यूरी है तो क्यूरी, टेबल है तो टेबल ले सकते हैं। यहां पे आ गया, मैं लोड कर दीजिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसमें डेटा में, फ्रॉम डेटा में, तो डेटाबेस में आधे से ही एनालिसिस सर्विस है, और भी जो डेटाबेस ले सकते हैं, फ्रॉम अजूरे, अजूरे डेस्कटॉप है तो वहां पे आ ले सकते हैं, या ऑनलाइन सर्विसेज होती है जो यहाँ डीएक्टिवेटेड है किसी कारण से, बट यहाँ आपके सिस्टम अगर एक्टिवेटेड होगा तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप अपने ऑनलाइन जो फेसबुक वगैरह है उससे भी डेटा ले सकते हैं। अब आता है फ्रॉम रेंज, मतलब कि मुझे इसी टेबल का कोई रेंज का डेटा चाहिए, तो फ्रॉम टेबल या रेंज पे क्लिक कीजिएगा, इसी सीट का आ जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे टेबल है, जिस टेबल को सिलेक्ट करना उसी टेबल का डेटा लिंक होकर चला जाएगा। पता कि मुझे एक सीट से दूसरे सीट को लिंक करना है, बात समझ रहे हैं सर, मुझे मान लीजिए इसी को लिंक करना है दूसरे सीट से, और फाइल टू फाइल तो कर लेते हैं, सीट टू सीट लिंक करना चाहते हैं, मतलब एक सीट पे आपका डेटा पूरा दिखाना चाहते हैं, दूसरे सीट में कम दिखाना चाहते हैं ना, समझे ना सर। तो ये आपका फ्रॉम रेंज ले सकते हैं। फ्रॉम वेब, वेब मतलब कि आप किसी भी वेबसाइट से डेटा को
पुल करवा सकते हैं, कोई भी वेबसाइट आपका है यहाँ पे डेटा ले सकते हैं, किसी भी वेबसाइट का डेटा, मतलब कि जो यूआरएल कॉपी कर देंगे सर उसका ना जी, यूआरएल कॉपी कर देंगे उसका, मान लीजिए फाइनेंस का डेटा चाहिए, ये आपका गूगल फाइनेंस आ गया ना, स्टॉक मार्केट का डेटा चाहिए आपको, अब इसी गूगल फाइनेंस को कॉपी करके वहां पेस्ट कर देंगे। जितने भी टेबल्स हैं, देखिए इसमें क्या है कि टेबल्स जितने भी है वो सारे कनेक्ट कीजिए, जैसे अगर आईडी पासवर्ड हुआ ना तो आप आईडी पासवर्ड मांगेगा डाल दीजिए, फेसबुक लिंक इन से आप करते हैं तो आपसे आईडी पासवर्ड मांगेगा, कुछ ऐसी साइट हुए हैं जिसमें लॉगिन की जरूरत है तो यहाँ पे आपका आ जाता है, इसने डॉक्यूमेंट किया इसमें, इसको रीड नहीं किया सर, तो वेब व्यू पे जाते हैं तो ये आपको यहाँ पे पूरा वेबसाइट का व्यू शो कर देता है कि कैसा है आपको पूरा। सर उसने लोड क्यों नहीं किया वो जो हमने कॉपी किया था, इसने टेबल फॉर्मेट नहीं है सो रीड नहीं किया, इमेजेस को रीड नहीं करता है, टेक्स्ट को रीड नहीं करता, टेबल्स को रीड करता है, तो मुझे पूरा का पूरा पेज का डेटा चाहिए, अगर मैंने रीड नहीं किया तो यहाँ पे वेब व्यू पे जाइए और लोड पे क्लिक कर दीजिए, पूरा टेबल का पूरा जितना जैसा है उस तरह का पूरा आ जाएगा पूरा डेटा। ओके ठीक है, इसमें अगर लोअर वर्जन में आप जाते हैं तो वहाँ बेटर होता है, या फिर आपके वो डेटा जिसमें अच्छा खासा है, जैसे मान लीजिए ना मैं स्टॉक गूगल पर, इसको बोलता हूँ मैं यहाँ पे मोर टॉप गेनर करता हूँ, अब मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पे डेटा, सर इसमें टेबल आ गया ना, आ गया सर एडवांटेज आ गया ना सर आपका बीएससी एनएससी क्या है सर, लाइव है सर, लोड कीजिए आ जाएगा, तो वेब व्यू में टेबल को व्यू करता है, एक दिक्कत छोटी सी दिक्कत यहाँ पर होता है, तो सर वहां पे तो बड़ी टेबल थी यहाँ पे छोटी आई है, क्या हुआ वहां पे टेबल बड़ी थी ना हमारी, इसको इसको इसने रीड नहीं किया। ओके तो साइट देखना होता है, एनएससी का रीड कर लेता है सर, लेकिन बहुत टाइम लगाता है रीड करने में, तो आप एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा ठीक है। अगली क्लास, कल की क्लास में हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, बात करेंगे एमएस क्यूरी के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी, जैसे मैंने बताया था ना कि जो फीचर्स मैंने अभी लाए हैं फाइल टू फाइल लिंक करने का, उसमें फिल्टर वगैरह लगाने का, ये तो पावर क्यूरी के जरिए था, बट मान लीजिए कि आपके पास सिस्टम में पावर क्यूरी ना हो तो कैसे यूज करेंगे, क्योंकि लोअर बजट में तो नहीं है, तो वहां पे हम माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी का इस्तेमाल करते हैं ठीक है। फिर एक क्लास आपकी होगी कम इसकी, किसकी, पावर क्यूरी की, तो कल हम माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी के बारे में जानेंगे, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह, क्यूरी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोगों ने अगर एसक्यूएल नहीं पता है तो एक बार एसक्यूएल क्यूरी इंटरनेट पर देख लीजिएगा ठीक है, ठीक है सर।